मक्खन है, क्रीम है, देसी घी है। देसी घी वाले बर्गर तो शायद आपने पहले नहीं खाए होंगे। तो बिल्कुल प्रॉपर इडली वाला टेस्ट। फ्रेश जो पिज्जा है, हमारे लिमिटेड पिज्जा होते हैं। इसमें आपको कढ़ाई बीन मिलेगा, दाल फ्राई मिलेगा, मिक्सर मिलेगा, राइस मिलेंगे। हो गया जी, मसाला तैयार हो रहा है जी। मेक और पतीला आप देख सकते हो, प्रॉपर बड़ा। और इन्हीं रील्स की वजह से हमें नहीं समझ में आता है कि किस जगह पर खाना चाहिए और कौन है फेक, किसका खाना है टेस्टी और कौन हमें बना रहा है फुटू। जानते हैं आज के एपिसोड में। और आज का एपिसोड कोई मामूली एपिसोड नहीं है। इसमें हम हर उस जगह पे जाएंगे जो रील्स हम रात को फूड ब्लॉगर्स की देखते हैं 3-3 बजे और हमारे मुंह में आता है पानी। पानी। और वैमली, आज के हम एपिसोड में एक एक फूड को अच्छे तरीके से हम रेटिंग देंगे। मतलब कि जो खाना होगा असली, जो होगा टेस्टी, उसको हम देंगे थम्स अप। एंड जो खाना होगा फुद्दू, उसको हम देंगे थम्स डाउन। मतलब कि आप जितने भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं वो सब पेड प्रमोशंस है। जी हाँ, ये आज हम एक्सपोज करेंगे, किसी से हमने पैसे नहीं लिए हैं। और आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है आज हम है जी जलंधर में फ्रेश बाइट्स पे। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कपल है, मिस्टर एंड मिसेस सिंह। भाभी, कौन सा पिज्जा बन रहा है जी? ये अभी जाने वाला है जी, इनकी सिग्नेचर डिश कुल्हड़ पिज्जा। तो फैमिली, जितने ही जलंधर में हॉस्पिटल्स हैं, उससे दुगनी इधर खाने की जगहें हैं। जी हाँ, देखो यही तो हमने बस्ट करना है। जी हाँ, कि गाइस जो फूड ब्लॉगर्स दिखाते हैं हमें, वो क्या फेक है जब पूरा सच है। जी हाँ, तो जलंधर में जितनी सिटी में जितने ऐसे फूड जॉइंट्स मिले हैं जो हमें रील्स में दिखे हैं, जो बोलते हैं पागलपंती हो जाएगी, तो वहाँ हम पहले जाके कुछ खाएंगे जो उनका फेमस है। इससे आपको हमारे टेस्ट बड्स में पता लग जाएंगे कि हमें किस टाइप का फूड अच्छा लगता है। जी हाँ, तो पहले नंबर पे हम जा रहे हैं जलंधर की द मोस्ट फेमस कुल्हड़ पिज्जा। So guys, संजय जा चुका है कुल्हड़ पिज्जा लेने के लिए। और फैमिली, इन्होंने ये चेंज कर दिया यार, ये पहले ऐसा नहीं होता था। इन लोग के पास फिर पैसे आ गए, ये फेमस हो गए। इससे पहले इनकी छोटे से स्टॉल थी सिर्फ। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। कि फेमस होने के बाद पैसा आता है, ये हाँ, हमने देखा है। राइट। हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं यार, हमने क्या ऐसा क्या पाप किया है लाइफ में, भगवान हमें क्यों नहीं दे रहा। नहीं, मैं यार वही देख रही हूँ, कितने यूट्यूबर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। मेरे को कितनी आंटियां पूछते हैं, बेटा आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो। और मम्मा मुझे कहते हैं यार ये कहाँ से गाड़ियां ले रहे। मैंने कहा ये हमें खुद नहीं समझ आ रहा, इनके पास कहाँ से। मुझे लगता है हमने यूट्यूब पे नहीं, हमने प्यूट्यूब पे खोला चैनल जहाँ पे पैसे नहीं। क्रिटिक्स बहुत पैसे, अमीर क्रिटिक्स हम। क्या बोल अंदर? अच्छा, अच्छा, हाँ, सो फैमिली मैं अंदर जाके आया। एक तो मैंने कोट पैंट पहना हुआ, ठीक है, वो सारे डाल के सब ऐसा हुआ। लोग मेरे को देख रही कौन है। स्टाफ अंदर खड़ा था, खड़े हो गए। हेलो सर, वेलकम। मैं का दो वो कर दीजिए कुल्हड़ पिज्जा पैक। कहते हैं आपको 10-15 मिनट्स लग जाएंगे, बिकॉज द डिमांड इज टू मच ऑफ दैट कुल्हड़ पिज्जा। एंड उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी डिमांड हमने काफी गिराई है जब हम उसको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। और अगर आप जिनका कुल्हड़ पिज्जा है वो देख रहे हैं, अगर हमारा ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपको नहीं पसंद आया, अगर यार तो नहीं आया, तो किसी भी चीज को दिल पे मत लेना, बिकॉज थोड़ा आगे कर लेते हैं। एक तो रिव्यू भी नहीं देते लोग, गाड़ी आगे करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। सो अगर आपको हमारा रिव्यू गंदा लगे तो आपको भी बता देते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हमारे भी लोग वीडियो देखे कह देते हैं कि हम आपकी वीडियो ये वाली मजा नहीं आया, इसमें बहुत मजा आया, तो हम उसको दिल पे नहीं लेते। तो अगर मार्केट में आए हैं तो डरना किस बात का, बेइज्जती भी और इज्जत दोनों साथ में होती है। यार पैसे दे के चीज ले रहे हैं। एंड फैमिली, बाय द वे मैंने दो ऑर्डर किए थे, एंड टू कुल्हड़ पिज्जा का मैं 350 हुआ। 350 रुपीस फॉर टू कुल्हड़ पिज्जा। 350 को डिवाइड करें कितने का हो एक? देख संजय, तुम्हें इतनी कैलकुलेशन इतनी कैलकुलेशन बोलना ही मन नहीं है। मेरा भी मन कर रहा है। गाइस कुल्हड़ पिज्जा आ गया है, अब हम ट्राई करेंगे। जी हाँ, माय गॉड गाइस, हमारी वैसे 3 रेटिंग्स होने वाली है, जो एक है ऑसम, एक है ओके ओके, और जो थर्ड है वो है खुशबू। खुशबू में मेरे को सड़ा हुआ क्यों लग रहा है यार? मुझे भी नहीं, खुशबू अब ठीक है, अब अच्छा है। गाइस मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि आई एम एलर्जिक टू टमाटर्स, बट स्टिल आवर अदर क्रिटिक्स विल डेफिनेटली डिसाइड। इसके बीच में चीज डाला है उन्होंने। ओके, ये क्या है? पनीर, पनीर मशरूम, प्याज।
सो फैमिली जो मेरी रेटिंग है ये कुल्लड़ पिज्जा के लिए इट्स आर यू सीरियस ये जो पिज्जा है आप जब आओगे आप सामने प्रेजेंटेशन में लाइक वाओ द प्रेजेंटेशन में आप कितने नंबर देना चाहेंगे प्रेजेंटेशन 100 है ओके प्रेजेंटेशन मैं इसको -2 देना चाहूंगा वाइब्स नहीं यार इतना गरम गरम एक तो देखो बंदे के हाथ में कुल्लड़ पकड़ा दो ठीक है हाथ से फट जाएगा यार कुल्लड़ का मतलब क्या होता है गेट लाइक समथिंग हमें ग्लव्स देना चाहिए यार टिश्यू भी देखो एकदम लो क्वालिटी दिए हैं यार आप मैकडोनल्ड्स जाते हो आप उनके कभी टिश्यूज देखे ऐसे टच करते हो ओहो ये ऐसे लगता है लो फट गया कि ये टिश्यू है यार हाथ भी नहीं साफ होने ना था अब मेरे हिसाब से इसका नाम कुल्लड़ पिज्जा नहीं पास्ता होना चाहिए सिंपल गाइस इसने इतना फालतू क्रिटिक्स में बहुत ज्यादा ब्रूटल बोला कि लाइक लिजेंड हमने कैंसिल हो जाना था अगर ये दिखा ये मैंने पूरा म्यूट किया है स्पेशल पर मेरे हिसाब से कुल्लड़ को चाय के लिए ही रहने दो दैट इज बेटर इसमें पिज्जा मत बनाओ और अगली चीज खिलाओ हमारी जॉन ग्रैम स्पेशल थाली तैयार है जी इसमें आपको कढ़ाई बीन मिलेगा दाल फ्राई मिलेगा मिक्स वेज मिलेगा राइस मिलेंगे दो लच्छे पराठे मिलेंगे और सैलेड मिलेगा जब हम आए हैं शर्मा वैष्णो ढाबा पे और यहाँ का फेमस है जॉन अब्राहम थाली यानी कि जॉन अब्राहम थाली है और ये खा के देखेंगे इसमें शायद मैं कुछ खा लूँ क्योंकि इस थाली में काफी ऑप्शंस हो सकते हैं सो गाइस आ गई है यहाँ की थाली इन्होंने स्पेशल जो हमारे लिए बना ली सो यहाँ पे आप देख सकते हो दाल है एंड पनीर है शाही पनीर एंड मिक्स वेजिटेबल ऐसी भूख लगी हुई है सुबह से कुछ खाया नहीं हमने texture of the roti and the texture of the dal mixed vegetable paneer wala paneer main to khada nahi gaya isme zyada tomato hai but fir bhi bina kisi deri ke this is awesome too good family this is 10 out of 100 john, out of 10 john bhaiya dekh to nahi rahe bahut acha hai maine sune yahan ke reviews log kahe the okay hai but god damn it's so good agar main tujhe kahun ki tum kha kar 1 lakh rupaye kama sakte ho kabhi aisa suna hai kya ऐसा ही लिखा है इस रील में ये देखे ना स्वाद लगी तो 1 लाख रुपया तो ले जाए मैं भाजी परोंठे पंजाबी होते हैं और आप कह रहे हो इटालियन परोंठा खिला रहे हैं हाँ सर बिल्कुल खिला रहे हैं जी डूडी डूडी टेस्टी हो ना हम कह के हमें अच्छा लगा पैसे नहीं 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 हम दिल के साफ है यार आप यार कहीं से तो पैसे कमाए इस लोकेशन में बंदा देता है इटालियन परांठा यानी कि अगर वो टेस्टी नहीं होगा तो हम लेकर आएंगे घर पे एक तुझे भी नहीं लगा मुझे भी लगा इसको तो 3 लाख सारा काम यही कुछ कर दे सो फैमिली हम आ चुके हैं द इटालियन परांठा खाने वन ऑफ द वेरी डिफरेंट वैरायटी जहां पर हमने पिज्जा सुने इटालियन पर ये बोला है कि अगर इनका खाना नहीं टेस्ट लगा ये हमें 1 लाख रुपया नाम देंगे आइए पूछते हैं पहले इनका नाम पूछ रहा आपका नाम क्या है मेरा नाम गुरसेवक सिंह है गुरसेवक सिंह अब आप ये बताइए जो आपने रील में इतना वादा किया है कि 1 लाख रुपया देंगे क्या ये सच है कि झूठ है बिल्कुल सच है जी बिल्कुल सच है आ सकते हैं 1 लाख रुपया कैश जस्ट इन केस प्रूफ के लिए चेक दे दूंगा जी चेक बुक ही दिखा दो ये देखो कि हम खाकर सच बोले कि आपके दिल रखने के लिए झूठ बोले नहीं सच बोलो सच बोलो सच बोलो ये मेरे को ऐसे मुझे अच्छे लगते हैं जो तैयार रहते हैं हर चीज के लिए सच बोलो यार जैसा मर्जी हो आपने बताना है देखा जा रहा है मैं देख रही हूँ कि कैसे बनाया जा रहा है इटालियन फैमिली मैं आ गई हूँ फैमिली मैं देख रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है इटालियन पराठा क्योंकि मैं रेसिपी चुरा लूंगी मैं इसलिए देख रही हूँ खड़ी होके हमें 1 लाख रुपए लेने आए हैं पराठा बनने में कुछ टाइम बाकी है लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि पराठे का टेस्ट कैसा होगा पराठे में मसाला कैसा ये क्या कर रही है तू और इसको पराठा देने का दिमाग खराब हो गया है, ओके। पहले भैया ट्राई करेंगे देखते हैं 1 लाख रुपया आएगा कि नहीं जोरदार तालियां इसी बात में 1 लाख रुपया मजा नहीं आ रहा है इसका जब मैंने इसको टेस्ट लिया है मुझे समझ में नहीं आया कि इसको कौन सी रेटिंग दूं मैं पहली बार क्रिटिक्स कंफ्यूज हो गई है जी हाँ फैमिली इट इज सो टेस्टी यू कैन टेस्ट सारे मसाले भी एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू ये एक्चुअली है क्या है मैं इसको इटालियन पराठा नहीं कहना चाहूंगा आई वुड कॉल दिस अ मिक्स ऑफ हेल्दी एंड अ मिक्स पराठा बिकॉज के अंदर बीट रूट डालते हैं उन्होंने आई डिडंट सी अ सिंगल टैनिन थिंग सिवाय ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को छोड़ के तो हम इसको जो रेटिंग देना चाहेंगे वो देना चाहेंगे एक होता है ऑसम एक है ओके ओके और एक है बुआ मेरी तरफ से इसको है ओके ओके मेरी तरफ से भी है ओके ओके
ओके से ऊपर हूँ थोड़ी awesome. नीचे हाय गाइस, तो राजपुर रोड पे घूमते हुए आई सॉ दिस कार्ड कॉल्ड ठेका कॉफी एंड शेक्स. इफ यू आर अ फैन ऑफ शार्क टैंक तो आपने प्रोडक्ट उसमें जरूर देखा होगा. इट टेस्ट सो 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 गुड एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी अफोर्डेबल था. बहुत सारी रील्स ऐसी देखी है जिसमें ये शार्क टैंक वाला ठेका बड़ा चलता है. yes! तो हमने रास्ते में इसको घेरा पा लिया है. अब इसे पूछते हैं इसके पास क्या खास है. कॉफी की जवानी पलंग तोड़. हेलो क्या बेच कर रहे हो. हेलो भाई साहब क्या चल क्या रहा है. आप ये सबसे ज्यादा फेमस है. अच्छा तुम्हें को लगा पलंग तोड़. नाम देखो कैसे रखे. 125 रुपए की कॉफी है. ओए एक किलो फिर. जवानी लेते हैं. जवानी लेते हैं और जो मेरे लिए जिसकी जवानी नहीं नहीं गई हो उसके लिए पलंग तो ठीक है. पलक ही चाहिए. पलक थी और पलंग के साथ ये ट्राई करते हैं. चॉकलेट पटोला. ओ पटोले को तो तू पी ही गया. रुक जा. हाउ इज इट. इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड यार. क्या रेटिंग दोगे. आई वर इट्स गुड. ओके ओके ओके. या आई वर सो ऑसम बट इट्स ओके ओके. मेरी टाइम मेरी टाइम मेरी टाइम. मेरा कैमरा भी करो. मेरा और मेरे मेरी पलंग तोड़ किधर है. ये पलंग तोड़. इसको पी कर रही आपका पलंग तोड़ देगा. क्या हो गया. अरे क्या हो रहा है भाई. क्या बज रहा है. So guys, हम इसको रेटिंग देना चाहेंगे. It's a good, okay, okay. ठेका is okay, okay, but other ठेका is good, very good. It's open 24/7, guys. मेरी रेटिंग और इस बस से ना फाइनली पर्दा उठ चुका है. वर्ल्ड की पहली कन्वर्टेबल बस. रेस्टोरेंट किचन भी अंदर है. फर्स्ट फ्लोर पे सिटिंग है. सो लेट्स गो इनसाइड गाइस. फैमिली फूड ब्लॉगर बनना आसान नहीं है. पर हम लोग बोल देते हैं कि भाई देख लो अगर हमें अच्छा भी लगा नहीं भी लगा हम बता देंगे दुनिया को. हम ये नहीं कहेंगे कि यार फेक नहीं है हम लोग. तो आज अब हम जा रहे हैं ये बस में. ये बहुत फेमस है. मैं कहता हूँ हमारे पूरे इंस्टाग्राम में बस से भरी हुई है कि बस आ गई जलंधर में. I don't know, man. Let's see. So guys, क्रिटिक्स अंदर खुद जा रही है देखने के लिए कि क्या तो बनाइए यार. ये आप कर रही है. थके हुए सारे दिन के क्रिटिक्स पे भी चढ़ते. सो गाइस इनकी ये पहली ड्रिंक आ चुकी है. लेट मी टेंशन पोजीशन आ इनटू इट. कोई मैं फिल कर के टेस्ट की हुई है. ये कौन सी बबलगम है. वो नाम नहीं बताया. समझ नहीं लग रहा कौन सी हमें. एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट नहीं हम बता. नहीं वो मत बताओ बट ये वो है. वही है ना. ये वही है. तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्या कहते हैं मोमोज या डंपलिंग्स जो इसको कहते हैं. बट मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे. डिफरेंट फ्लेवर पहली बार देख रहा हूँ. ग्रीन कलर के भी होते हैं मोमोज. सो आज हम ये ट्राई करेंगे. फैमिली संजय ने सारा वो पूरा गरम गरम मुंह में डाल लिया और वो अंदर जाके भाव छोड़ दिया. ऐसा होता है. दिस इज गुड. मैं इसको ऑसम नहीं कहना चाहूंगा बिकॉज मैं डंपलिंग्स का उतना फैन नहीं हूं. बट इट्स गुड. बट तुम अपनी क्रिटिक्स हो. नहीं बतानी. हाँ तुम क्रिटिक्स हो. बी 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 रियल. बी रियल. These are shit, man. यार आई लव डंपलिंग्स. ठीक है मैं बताती हूँ. इसमें ना एक मसाला. इसमें भी कोई मसाला है जो ना बड़ा अच्छा टेस्ट कर रहा. मेरी तरफ से इसको awesome. I will love this. मेरी तरफ से इसको भी awesome. नहीं मेरी तरफ से ड्रिंक तो above awesome. बिल्कुल प्रॉपर इडली वाला टेस्ट. फ्रेश जो पिज्जाज है हमारे लिमिटेड पिज्जाज होते हैं. आज हमने 30 पिज्जा बेसेस रेडी करे. हमारे जब 30 आउट हो जाएंगे दे आर सोल्ड आउट. इटालियन व्हीट का बेस है.
So guys, अब हम लोग आए हैं जेपी पिज़्ज़ेरिया। हाँ, इनके पास है the only one place to get Napoleon। ये कौन सा पिज़्ज़ा? Napoleon pizzas होते हैं यार, ये different। ये है। So family, हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। It's called pesto pizza। Pesto pizza, guys, look at this। Family, ये बिना टमाटर के है। Oh, is it? Yes। Okay। Family, इसका जो base है वो pesto है। और चल यार, इतना बोलती है। भाई रील से पता चला हमारे जलंधर में कितना कुछ खाने को जबरदस्त मिल रहा है गाइस। हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था यार। गाइस एक चीज नोटिस की है, जितने रील वाले हैं, जितने भी फूड ब्लॉगर हैं, वो सारे कपल ही हैं। अरे हाँ यार, लगता है मुझे YouTube छोड़ के कपल बनना पहले पड़ेगा। बनना ही पड़ेगा, टाइम टू गेट मैरिड। इफ एनी गर्ल इज इंटरेस्टेड प्लीज DM, और DM में लिखना आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। और हमें बस के सामने हम ट्रेन बना लेंगे अपनी। पहली बेकरी देखी जहाँ पे इतने बल्क में एगलेस केक्स बन रहे हैं। मगर गातो मिल्क केक के नाम में तो केक है, केक में मिल्क केक डाल और लड्डुओं का बना दिया इन्होंने केक। ये इनोवेशन बहुत जबरदस्त लगी। सो फैमिली, जो लड्डू केक है वो मिलेगा कल, मैंने उसकी बिलिंग करवा ली है। वो पड़ा है मुझे 1500 रुपए का और कल उसको कल हमें मिलेगा सुबह 1 बजे। इतना लेट और इतना महंगा लड्डू, इतना महंगा ये केक बना रहे हैं, ये हमें चांदी बना के दे रहे हैं अंदर। So guys, अभी टाइम है तो अभी, क्योंकि ये जैसे कि आप देख सकते हैं रातें हो चुकी है, सब कुछ बंद हो चुका है, तो हम सीधे मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। बाय बाय। सो फैमिली, फिर से अगला दिन हो गया। मैं कह रहा हूँ ये फूड ब्लॉगर बनना कोई सौखा काम नहीं है, क्योंकि ओके हमारी अभी भी नींद में है, फिर भी ये नजरें ढूंढती है असली टेस्टी खाने को, क्योंकि टेस्ट सिर्फ खाने में होना चाहिए और कहीं नहीं, रिश्तों में भी नहीं। नहीं हाँ, क्योंकि रिश्ते होते हैं खट्टे, समझा पूंडी के। ठीक है यार, काम डाउन मैन। पूंडी कहाँ से आ गई? मधुमक्खी ये रहा, मिल गया। रतन लाल जी के कुलचे। जी हाँ, रतन हाँ। मेरा पता सच्ची में मन कर रहा है गाड़ी साइड पे लगाऊं और सो जाऊं। ये को नींद में इसको उठा के लाए ब्लॉगर बनना को। यार आप पहले कुछ कौन से रहते हैं इसमें जी से? ये सर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इसमें आलू टमाटर है, प्याज है, बॉइल्ड चने। ये बंदे ने हमें इतनी जल्दी बना के दे दिए, ठीक है? ये बने होते हैं, वो रेडी होते हैं, सिर्फ गर्म करने होते हैं। बच्चे यार इसको क्या पता, ये फटाफट चलो, कितना काम बाकी है। क्रिटिक्स मैम फैमिली, क्या मैं ये इसका ना मैं कार के अंदर बैठ के रिव्यू देना चाहूंगा, बिकॉज द गाय सीम सो नाइस। ये चने खराब हो गए हैं गाइस, हम इसको ट्रिपल देना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ जो भी हो, रतन लाल जी ने आज मेरी आंखें खोल दी थी भाई। इतना खट्टा अंदर फील हुआ, मेरी बॉडी में हिल गई, पूरा चटका ही लग गया एकदम। ऐसे लगते नींबू चाट रहे पूरे ऐसे थे। अब मुद्दा ये कि यहाँ पर जो आए हैं, जो हम टेस्ट करने आए हैं, जिसको बस्ट करने आए हैं, वो क्या है दीक्षा? वो है बहुत फेमस गोल गप्पे, शकरकंदी, आलू केले, क्या दोस्तों तो देखिए मतलब पानी झटपट खत्म हो जाता है और साथ साथ रिफिल करते रहते हैं अंकल। अशोक गोल गप्पे, अशोक गोल गप्पे खा के देखेंगे कि वाकई में बढ़िया है। वेरी फेमस इन जलंधर। दिस इज देयर फेवरेट फ्रूट चाट टुडे। This is their most selling, not selling favorite. यार मुझे favorite है ना, मेरी favorite है, मुझे आलू चाट बहुत। ये critics पहुंच गए हैं खाने के लिए taste करते हुए। critics good. जब आप खाओगे तो आपको वो मीठा लगेगा, पर after taste तीखा है। उम्र का लिहाजा करो, 30 के हो गए हैं। तो आज जितना बड़ा मुंह उतना बड़ा गोलगप्पा। एकदम इसके नाक की तरह। ये ज्यादा हाइप्ड है। ये क्रिटिक्स ना फ्री में खाने आई है। अपना टेस्ट बता दे आई है। यार मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां जब गोलगप्पा खाती मुंह भी गोलगप्पा जैसे क्यों बना लेती है? इतना बड़ा होता है। और तूने स्वाद भी बताना है, खुद नहीं खाने आई। इट्स नाइस।
मुझे आलू वाले पसंद नहीं है, पर ये काफी टेस्टी है यार। ये रील जैसी दिखाई गई है वैसा ही स्वाद है सर, बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत टेस्टी है सर, मैंने तो देखा नहीं बट कोई बात नहीं सर को भरा। हमें आलू वाले गोलगप्पे नहीं पसंद, पर मुझे बहुत टेस्टी लगे। आई थिंक मैं जलंधर में कभी भी गोलगप्पे खाने होंगे तो आई वुड कम हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम खाएंगे ये लड्डू, इसको बोलते हैं लड्डू वाला केक। गाइस आपको याद करवा दें, अब हमने इसको लास्ट में क्यों रखा था, क्योंकि आज है री व्लॉग्स का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे फ्लेवरिंग की जगह लड्डू है। I'm ready. Cheers guys, उठा दी। So guys, thank you. Oh my God, morning. केक में कौन लड्डू डालता है यार? देखो, लड्डू को लड्डू की जगह रहने दो, केक को केक की जगह रहने दो। क्यों ये मिक्स कर रहे हो यार? This is not good. For me, this is extremely. Happy birthday to you, Revlog. Happy birthday to Revlog. Happy birthday, family. Happy birthday, comment करें happy birthday अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपके शहर में आए और ये करें expose करें, तो नीचे लिखे expose और शहर का नाम, हम वहां आपको मिल सकते हैं। केक भी खट्टा लग रहा है भाई, मेरे को केक में एक ही चीज पसंद आई है जो ऊपर उन्होंने लड्डू दिया। I swear to God.